phone and roll it. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सैविज लॉन्च। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो बस मैं आज काम से जा रही हूँ, बच्चों के स्कूल भी जाना है और एक दो काम और करने हैं। तो कौरन साहब को सुबह सुबह मैंने घेर लिया है क्योंकि फिर तो कौरन साहब अवेलेबल होते ही नहीं हैं। तो ये रहे कौरन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, सब ठीक ठाक है? तो बस गर्मी बहुत है आज, तूफान, शुक्र है तूफान नहीं आया, लेकिन वो अच्छा मौसम भी चला गया, लेकिन गर्मी बहुत है आज। तो बस चले जी, तो हम स्कूल तो आ गए थे बच्चों के, लेकिन इसके बाद जो कौरन के साथ सीन हुआ अभी आप सब लोग देखिएगा, बहुत ही बुरा सीन हुआ था, लेकिन हंसी भी आ गई। दिखाओ गाय अंगूठा है, तो अंगूठा तब कहेंगे कौरन रो रहे जोर का लगा है रे बाबा रो नहीं, लिटरली रो रहा है, इतनी चोट लगी है इसके। तो लगी कहाँ है, घुटने पे? नहीं, मेरे अंगूठे पे लग गई है, धुआं निकल रहा है मेरे। जी व्यूअर्स, तो आज आने में थोड़ी देर हो गई घर पे, तो भूख लग रही थी सबको, तो मैंने पांडा मार्ट से ऑर्डर कर दिया। पांडा मार्ट से मैंने एक सालन ऑर्डर किया है, कोफ्ता, और एक मैंने किया है सिंगापुरियन राइस। जी तो आज का खाना हम लोग ने मंगवाया फूड पांडा से, पांडा मार्ट में कर रही थी। और जो इससे पहले कौरन का सीन देखा था वो बहुत ही बुरा सीन हो गया था। कौरन गाड़ी में बैठने जा रहे थे तो पता नहीं किस तरह उनका पैर मुड़ा, क्या हुआ कि उनके अंगूठे पे लगी थी, और मुझे लगा शायद घुटने पे लगी, क्या ऐसा हो गया। तो बाद में पता चला कि भाई वो काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सही हो गया। लेकिन आपको पता है ना, जब उंगली पे अंगूठे पे कहीं ठोकर लग जाए या कुछ, तो उस वक्त कितनी तकलीफ़ होती है। तो बस, तो यहाँ दानियल साहब ये बुलबुलें फुला रहे थे, और बस मैं घर आ चुकी थी, थकी हुई थी, और आनू साहब मेरे ऊपर लिपटे हुए थे। ये आनू, अच्छा जी ये देखे, जब भी मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ ना कि ये यहाँ अंदर रखें, तो ये यूँ सजा के जाते हैं दानिया राजन, तो ये अंदर नहीं रखते। ये देखे शरबत ज़्यादा ही पिया इसने, क्योंकि दूध नहीं था, दूध अभी मंगाया था, तो दूध वाला शरबत पीते हैं ये, तो ये वाला आधा बचा दिया। तो अब मैं बनाने लगी हूँ मीठी टिकिया, दिल चाह रहा था मीठी टिकिया खाने का, तो यहाँ मैंने एक कप सूजी ली है, ये वाला कप। अब इसी को मेजर करके मैं दो कप मैदा डालूंगी, और चीनी भी तकरीबन आप जितनी चीनी आपको पसंद है, तो यही कप मैं दो मैदे का डालूंगी, और यही मैं तकरीबन हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा घी लूंगी, और इसको पानी दूध की मदद से हम गुनगुना दूध करेंगे, उससे इसका आटा गूंदेंगे, और थोड़ा सा मैं इसमें खोपरा भी शामिल करूँगी। ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो यू कैन ऐड, वरना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जी तो यहाँ मैंने मीठी टिकिया बनाना शुरू कर दी थी, बहुत दिल चाह रहा था आज खाने का। तो मैं दोबारा से आप लोग को मेजरमेंट्स बता दूँ, मैंने दो कप मैदा लिया था, उसमें मैंने एक कप सूजी डाली थी, और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कप मैंने खोपरे का इसमें ऐड किया था, और चीनी मैंने तकरीबन एक कप से थोड़ी सी कम, चाहे तो एक कप भी मिला सकते हैं, और इसमें मैंने इलायची पाउडर भी ऐड किया था। तो बस यही सब करके मैं इसको मिक्स करूँगी अब। जी तो सुबह तक तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी एकदम से मेरी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई, फ्लू हो गया, एलर्जी हो गई, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और आप सब लोग भी अपना बहुत ख्याल रखें, दानियल को भी हल्का हल्का फीवर हो गया था। तो ये मैंने दो कप मैदे के ऐड किए थे, और ये मैदा मैं सैंडविच का यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको छान के यूज़ करती हूँ। अच्छा, जो चीनी मैंने इसमें ऐड की, जो मैं चीनी यूज़ करती हूँ, वो काफ़ी बारीक, इस दफ़ा चीनी आई थी तो मैंने पीसी नहीं, वरना इसमें चीनी पीस के डालें और फिर इसके बाद घी ऐड करें। अच्छा,
मीठी टिकियाँ वगैरह बना के रख दो तो वो काफ़ी दिनों तक एयर टाइट जार में आप सेव करके रख सकते हैं, तो कभी कोई क्रेविंग हो रही हो तो आप आराम से खा सकते हैं, तो ये भी इसमें फ़ायदा रहता है। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही थी, और इसको दोनों हाथों से भी आप अलग अलग करके इसको मिक्स करें ताकि अच्छे से ये यकजान हो जाए जी। तो यहाँ मैंने थोड़े से दूध को गर्म कर लिया था और इससे मैं इसका डो तैयार करूँगी, और ये देखें डो तैयार हो चुका है। बस अब हम इसको रोल आउट करेंगे और इसके शेप बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट। जी तो यहाँ पे मैं रोल आउट कर रही हूँ, और इसके शेप की फ़िक्र नहीं करें क्योंकि इसका तो आपने वैसे भी शेप बनाने हैं, और कोई भी आप कटर कोई ग्लास यूज़ कर लें। वैसे सभी को पता होगा मीठी टिकिया तकरीबन हर एक क्या ही बनती है, लेकिन मैं ज़रूर बताती हूँ ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ और किसी को कोई बात मुझसे पता लग जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, और ये देखें हो गए शेप तैयार। और इसको मैंने घी में फ्राई किया था, घी में फ्राई बहुत ही खस्ता बनती है। तो ये देखें ये इसकी इतनी थिकनेस है। तो यहाँ मैं सारी टिकियाएँ सेट कर रही हूँ, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जो आने वाले हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोग की सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तो मैं हमेशा और हमेशा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो बस यहाँ पर टिकियाँ बन रही हैं, और आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें देख कर पूरा, और अपने सजेशंस भी दिया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को नहीं समझ आ रहा होता कि लोगों को क्या देखना है, तो जब सजेशंस मिलते हैं ना तो फिर समझ आ जाता है, तो और भी फिर मोटिवेट भी होते हैं हम लोग। तो ये देखें काफ़ी खस्ता सी टिकियाएँ बन गई हैं, बनके तैयार हैं मेरी टिकियाएँ। आज ये खा लीजिए। तो जी यहाँ तो हो चुकी टिकियाएँ तैयार। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।